नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनके नतीजे आए और 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी ने बढ़त बनाते हुए ये दिखा दिया कि कैसे देश की जनता पर बीजेपी कह लीजिए या मोदी योगी की लहर कह लीजिए, इसका नजारा देखने को मिल रहा है। और नतीजे जो आए वो ये बताने के लिए काफी थे कि लोगों में बीजेपी को लेकर किस कदर भरोसा है। 10 मार्च को जब नतीजे आए उसके बाद तो जश्न का माहौल देखा गया। बीजेपी कार्यालयों के बाहर का नजारा अलग था, बीजेपी समर्थक और नेताओं के बीच खुशी की लहर देखी जा रही थी। लेकिन उससे ठीक अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए गुजरात। इस साल के अंत में वहां पर भी विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और इसी को लेकर कहा जाने लगा है कि बीजेपी जश्न में बहुत कम वक्त जाया करती है और अपनी अगली जीत पर लग जाती है। इसी एक बात को प्रमुखता से उठाते हुए पत्रकार रूबिका लियाकत ने प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो शेयर किया और इस वीडियो को शेयर करते हुए रूबिका लिखती हैं, बीजेपी की एक सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो जीत के जश्न में बहुत ज्यादा वक्त जाया नहीं करती, अगली जीत के लिए काम पर लग जाती है। कल ही 5 में से 4 राज्य जीते, आज गुजरात में है पीएम मोदी, इस साल दिसंबर में चुनाव है। रूबिका लियाकत के इस पोस्ट पर बहुत सारे लोग एक तरफा समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत ज्यादा वक्त जाया नहीं किया जश्न में बीजेपी ने या फिर प्रमुख नेताओं ने, अगले चुनावों की तैयारियों में अभी से लग गए हैं। बाकी पार्टियों की तरह नहीं कि अगर दिसंबर में चुनाव है तो नवंबर में पहुंचा जाएगा और फिर जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश की जाएगी। यही वजह है कि लोगों ने अब यह भी कहना शुरू कर दिया है कि गुजरात में भी बीजेपी की जीत लगभग सुनिश्चित है और अभी से बीजेपी इसकी तैयारियों में जुट गई है। आपको बताते चले, दिसंबर में चुनाव होने हैं और इसको लेकर अभी फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने वहां का दौरा किया है, लेकिन आने वाले वक्त में कई बड़े बड़े नेता गुजरात का रुख कर सकते हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर। मेरे नौजवान साथियों, आज सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस पावर तक, डिफेंस से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर फील्ड में भारत का दबदबा है। दुनिया भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में देख रही है। भारत की इस शक्ति को स्पोर्ट स्पिरिट, खेल दिली कई गुना बढ़ा सकती है। यही आपकी सफलता का भी मंत्र है और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो खेले वो ही खिले। मेरी आप सब युवाओं के लिए भी सलाह है, सफलता के लिए कभी कोई शॉर्टकट मत खोजिएगा। आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, कुछ लोग ब्रिज पर से जाने के बजाय पटरी क्रॉस करके जाते हैं, तो वहां रेलवे वालों ने लिखा होता है, शॉर्ट कम विल कट यू शॉर्ट। शॉर्टकट का रास्ता बहुत अल्पजीवी होता है। साथियों, सफलता का केवल एक ही है, उसका एक ही मंत्र है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कंटिन्यूअस कमिटमेंट। न एक जीत कभी हमारा आखिरी पड़ाव हो सकती है और न ही एक हार। हम सबके लिए हमारे वेदों ने कहा है, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। आज देश भी अनेक चुनौतियों के बीच बिना रुके, बिना थके और बिना झुके आगे बढ़ रहा है। हम सबको मिलकर के
सतत परिश्रम के साथ लगातार आगे बढ़ना है।